हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आज हम आपके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट पैंतीस फॉर्म क्वेश्चन जो कि आपके त्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन आपका है उमंग ऐप का पूर्ण रूप बताइए इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिफाइड मोबाइल अप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस अगला क्वेश्चन आपका है ये सी एम टी पी का पूर्वूप है ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोवाइडर ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोडक्टेड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगला क्वेश्चन आपका है ओ सी आर का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेड इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अगला क्वेश्चन आपका है यू टी आर का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन ए यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस ऑप्शन बी यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस ऑप्शन सी यूनियन ट्रांजेक्शन रेफरेंस ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस अगला क्वेश्चन आपका है आर डी एस का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन ए रिमोट डेस्कटॉप सर्वर ऑप्शन बी रिबोट डेस्कटॉप सर्विस ऑप्शन सी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ऑप्शन डी रोबोट डेस्कटॉप स्क्रीन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अगला क्वेश्चन आपका है आई एफ एस सी का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऑप्शन सी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑप्शन डी नन ऑफ तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड अगला क्वेश्चन आपका है क्यू आर कोड का पूर्व रूप होता है ऑप्शन ए क्विक रिस्पांस चार्ट ऑप्शन बी क्विक रिस्पांस कोड ऑप्शन सी क्वालिटी रिस्पांस कोड ऑप्शन डी क्विक रीडरशिप कोड तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी क्विक रिस्पांस कोड अगला क्वेश्चन आपका है एस सी डबल आई का पूर्ण रूप क्या है तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अगला क्वेश्चन आपका है जी यू आई का फॉर्म होता है ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूजर इंटरनेट ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटर ऑप्शन डी ग्राफिकल अन यूजर इंटरनेशनल तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगला क्वेश्चन आपका है आई एम पी एस का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन मनी पेमेंट सर्विस ऑप्शन बी इंटरनेट मनी पे सर्विस ऑप्शन डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऑप्शन डी नना दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सर्विस अगला क्वेश्चन आपका है ए बी आर एस का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए एडवांस बेस्ड रिमिटेंस सर्विस ऑप्शन बी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस ऑप्शन सी आधार बोर्ड रिमिटेंस सर्विस ऑप्शन डी नाना दिज तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस अगला क्वेश्चन आपका है यूपीआई का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑप्शन बी यूनिक पेमेंट्स इंटरफेस ऑप्शन सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट ऑप्शन डी यूनिक पे इंटरनेट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अगला क्वेश्चन आपका है यू आर एल का पूर्व रूप है ऑप्शन ए यूनिक रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन बी यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन डी यूनिक रीडर लोकेशंस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर अगला क्वेश्चन आपका है पैन का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑप्शन सी प्राइवेट अकाउंट नंबर ऑप्शन डी पर्सनल अकाउंटिंग नेटवर्किंग तो आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर अगला क्वेश्चन आपका है आई आई ओ टी का क्या है इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन आपका है यू एस एस डी का पूर्ण रूप बताइए ऑप्शन ए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डाटा ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड पावर सर्विस डाटा और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा अगला क्वेश्चन आपका है ई डी पी का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शन बी इलेक्ट्रो डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेट प्रोसेसिंग ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रेस तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग अगला क्वेश्चन आपका है ईडीएस का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए डेट इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड ऑप्शन बी डाटा इनक्रिप्शन स्टार ऑप्शन सी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड ऑप्शन डी डाटा इंटर स्टैंडर्ड क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड अगला क्वेश्चन आपका है यू यू सी पी का पूरा नाम क्या है ऑप्शन ए अनलाइक टू यूनिक्स प्रोटोकॉल ऑप्शन बी यूनिक्स टू यूनिक्स पेज ऑप्शन सी यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी अगला क्वेश्चन आपका है एन यू यू पी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए नेशनल यूनिफाइड यू एस डी प्लेटफॉर्म ऑप्शन बी न्यू यूनिफाइड यू एस एस डी प्लेटफॉर्म ऑप्शन सी नेशनल यूनिफाइड यू एस डी पैटर्न ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल यूनिफाइड यू एस एस डी प्लेटफॉर्म अगला क्वेश्चन आपका है आई एम ई आई का पूर्ण रूप है इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन आपका है भीम का पूरा नाम क्या है ऑप्शन ए भीम इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन बी भारत इंटरनेट ऑफ मनी ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मनी अगला क्वेश्चन आपका है नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन ऑप्शन सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन डी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र अगला क्वेश्चन आपका है डब्ल्यू डब्लू का पूरा नाम क्या है इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब वार्म अगला क्वेश्चन आपका है एन ए डबल एस सी ओ एम का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी ऑप्शन बी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ऑप्शन सी नेशनल एडवांस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन आपका है एटीएम का पूर्ण रूप बताइए ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन सी एडवांस टेलर मशीन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड अगला क्वेश्चन आपका है डब्ल्यू लैन का पूर्ण रूप बताइए ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेट ऑप्शन बी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी वायर लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अगला क्वेश्चन आपका है सी डबल एस का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए कमीशन एज ए सर्विस ऑप्शन बी कस्टमर एज ए सर्विस ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एज ए सर्विस ऑप्शन डी कंज्यूमर एज ए सर्विस तो आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एज ए सर्विस अगला क्वेश्चन आपका है डब्ल्यू ए पी का पूर्ण रूप बताइए ऑप्शन ए वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस ऑप्शन बी वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस अगला क्वेश्चन आपका है वी ओ आई पी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रो ऑप्शन सी वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन डी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी यू आई का विस्तार रूप बताइए ऑप्शन ए कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस ऑप्शन बी कैरेक्टर यूनिक इंटरचेंज ऑप्शन सी क्रोम यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अगला क्वेश्चन आपका है ई एन आई ए सी का पूर्ण रूप है इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर अगला क्वेश्चन आपका है ई बी सी डी आई सी का रूप बताइए तो इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड अगला क्वेश्चन आपका है MAN का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए माइक्रो एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी मिक्स एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी दी, नन ऑफ दीज तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अगला क्वेश्चन आपका है डबल ईपी रोम का पूर्ण रूप है इसमें आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी